दोस्तों सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस भर्ती 2021 से संबंधित बड़ी अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, साथ ही में डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको जो है फिजिकल के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड फिजिकल जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में कैरी करने होंगे। सो सभी छात्रों को जो है ये वीडियो अच्छे से देखनी है, अच्छे से इसके बारे में समझ लेना है कि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में आपको किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सो फ्रेंड्स, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं एंड जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दिल्ली पुलिस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और 67,740 कैंडिडेट को यहां पर फिजिकल के लिए जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है ताकि आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। एंड इसी के साथ में अभी जो लेटेस्ट न्यूज दिल्ली पुलिस फिजिकल से संबंधित निकल के आ रही है वो आ रही है दोस्तों, 17 मई 2021 तक जो है आपके फिजिकल्स को यहां पर जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब कि अभी आपके फिजिकल 17 मई 2021 तक कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। सो ऐसे में फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल की प्रिपरेशन करते रहना है। आपको अपने फिजिकल की प्रिपरेशन को पोस्टपोन नहीं करना क्योंकि आपको जो है बाद में जाके प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो ऐसे में फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर नीचे कमेंट मेरे को आए थे कि सर मेरे पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर उनके जो है कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रही है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बार बार कैंडिडेट कर रहे थे, तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी वीडियो शुरू करने से पहले कि प्लीज़ यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एंड जान लेते हैं आज की बड़ी अपडेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, किसी भी अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की अगर बात कर लें तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनके बारे में शुरू में बात करेंगे। साथ ही में फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके ड्राइविंग लाइसेंस अभी जो है पेंडिंग में चल रहे हैं, मतलब कि अभी तक जो है बन करके कंप्लीट घर पर नहीं पहुँचे। सो ऐसे में फ्रेंड्स, आप जो है ट्राई कीजिए, जिससे आपने लाइसेंस बनवाया है उससे कोशिश कीजिए कि वो थोड़ा जल्दी जो है लाइसेंस का प्रोसेस कंप्लीट करे एंड आप जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। अगर आप लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, वो जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना देंगे। तो ऐसे में आप सभी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना है। एंड अभी बात करते हैं फ्रेंड्स, आपके पास में जो है ड्राइविंग, देखिए 17 मई से आपके जो है फिजिकल्स तो एकदम से फिक्स है नहीं कि आपके 17 मई से आपके फिजिकल्स को कंडक्ट करवा जाएगा। 17 मई तक जो है आपके फिजिकल्स को पोस्टपोन किया गया है, अभी तक कोई एक डेट फिक्स नहीं की गई कि 17 मई से आपके फिजिकल्स शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जो है कोविड की सिचुएशन को देखते हुए आगे कितना जो है ये फिजिकल्स जाएंगे। एंड इसी के साथ में फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं जो हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स हमको यहाँ पर चाहिए होते हैं उनके बारे में। सो भी यहाँ पर मैं एक लिस्ट ओपन कर चुका हूँ जिसमें आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको सबसे पहले चाहिए होता है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रिंट आउट आपको चाहिए होती है। इसी के साथ में आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी प्रिंट आउट चाहिए होती है फ्रेंड्स, ये आपका एडमिट कार्ड जो है रिटन एग्जाम का होना हो सकता है। इसी के साथ में आपका जो है फिजिकल का एडमिट कार्ड हो सकता है, उसमें भी आपको जो है सेम इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एंड फोटोग्राफ आपको यहाँ पर कलेक्ट कर लेने फ्रेंड्स, करीब 10 फोटो आपको जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर के जानी है। सिग्नेचर आपके जो है मैच होने चाहिए, जो आपके सिग्नेचर्स आपने फॉर्म भरते टाइम पर किए थे वही सिग्नेचर आपको उस वक्त करने हैं, आपको जो है सिग्नेचर को डिफरेंट नहीं करना है। मार्क ऑफ बॉडी फ्रेंड्स, मार्क ऑफ बॉडी की अगर बात करें तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम पर आपसे कोई एक मार्क ऑफ बॉडी पूछा था तो वो मार्क ऑफ बॉडी आपको वहाँ पर दिखाना होगा, ये एक बहुत ही ज़रूरी है। एंड इसी के साथ में आइडेंटिटी कॉपी, आपका कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ है उसकी कॉपी आपको जो है साथ में लेकर के जानी है, जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है उसकी कॉपी आपको साथ में लेकर के जानी है। एंड कॉपी ऑफ द फाइनल रिजल्ट, जो आपका फाइनल रिजल्ट है जैसे अभी रिटन एग्जाम का रिजल्ट है तो उसका जो है फाइनल रिजल्ट का कॉपी लेकर के जाना होगा, या फिर जो है आपके जो सॉरी फिजिकल का रिजल्ट आता है उसकी जो है कॉपी आपको लेकर के जानी होगी। 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपने साथ में कैरी करनी होगी। इसी के साथ में 12th की मार्कशीट आपको अपने साथ में कैरी करनी होगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अपनी डिग्री पास जो आपका ग्रेजुएशन लेवल की जो डिग्री है उसे भी आप साथ में लेकर के जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लें तो देखिए फ्रेंड्स, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर साथ में लेकर के जाना होगा। अभी बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर हमारे पास में जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो मतलब पुराना है या फिर अभी हमने नया नहीं बनवाया। तो ऐसे में मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस के लिए सेंट्रल का जो है कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है एंड इंग्लिश में जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है तो क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा या फिर मुझे नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सो ऐसे में देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट है तो है वो हमारा चेंज होता रहता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्योंकि हमारी इनकम चेंज होती रहती है। इसी के साथ में जो हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र है, जिसे हम रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी हमारा चेंज होता रहता है क्योंकि हम अपना रेसिडेंशियल भी चेंज कर लेते हैं। सो ऐसे में कास्ट सर्टिफिकेट किसी की भी चेंज नहीं होती, कास्ट किसी की भी चेंज नहीं होती। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहे कितने भी पुराना हो वो भी आपका यहाँ पर चलेगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको अपने साथ में कैरी करना है एंड अगर आप डिसेबिलिटी से फॉर्म भरा है आपने रिजर्वेशन के लिए, मतलब आपको डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन लेना है, तो आप जो है डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको साथ में लेकर के जाना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपकी मैरिज है, आप मैरिड कैंडिडेट हैं, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट अपने साथ में लेकर के जाना होगा। एंड अदर सर्टिफिकेट की अगर यहाँ पर बात कर लें तो फ्रेंड्स देखिए, ये ऊपर मैंने जितने भी सर्टिफिकेट आपको बताए हैं, जितने के भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, तो उनके जो है आपको दो दो फोटोकॉपी करवा के साथ में लेकर जानी है। मतलब कि हर एक जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर साथ में लेकर के जाना है, लेकिन साथ में ही है आपको दो फोटोकॉपी और लेकर के जानी है। एंड ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपके पास में जो भी कोई और अदर सर्टिफिकेट है या फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे बताए उनकी जो है ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी जो है अपने साथ में लेकर के जाने, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या का जो है सामना ना करना पड़े। सो फ्रेंड्स, ये थे मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए या फिर दिल्ली पुलिस से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने होंगे उनके बारे में। तो इन्फॉर्मेशन तो आप जो है अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स से एकदम से क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको आगे जा करके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ यार, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।